आम आदमी पार्टी का आरोप यह है 21 मार्च को कार्रवाई शुरू होने से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिहाड़ जेल की तरफ से जवाब आया। तिहाड़ प्रशासन का यह दावा है कि केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है, उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, 8 किलो वजन कम होने की बात गलत है। एक स्टेटस रिपोर्ट भी उनकी दी गई है जिसमें हर दिन उनका बॉडी वेट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपके आरोप है कि शुगर लेवल ठीक नहीं है अरविंद केजरीवाल का, उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं तिहाड़ का जवाब है, कोर्ट के आदेश के बाद उनको घर का खाना अलाउड है और वजन में उनके मामूली ही कमी है। एम्स के डॉक्टरों ने जांच की है अरविंद केजरीवाल, और उस जांच में क्या लिखा है, जो मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन ने जारी की है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि उनको वजन कम उनका हो रहा है लगातार और हाइपोग्लिसीमिया की समस्या है। 5 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया। आप मुझे बताइए, 50 से नीचे किसी का शुगर लेवल चला जाए वो तो कोमा में जा सकता है, उसकी जिंदगी जा सकती है। ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ गहरा षड्यंत्र करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का है। जो व्यक्ति भी जेल में होता है या न्यायालय के या न्यायिक हिरासत में होता है, पूरी जांच एजेंसी पूरे सिस्टम का एक सिस्टम होता है जिसमें उसकी देखरेख उसके ध्यान रखने का व्यवस्था होती है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उनका स्वास्थ्य कितना है, क्या उनका वजन कम हुआ है, वो सब चीज़ें डॉक्टर वहाँ मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन वजन की जहाँ तक आपने बात कही है, राजनीतिक वजन अरविंद केजरीवाल का जरूर कम हुआ है। संजय सिंह का क्या? अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 केजीज है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है।